हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये सैटरडे का दिन है और बस सुबह सुबह उठने के बाद में पूजा वूजा करने के बाद मैंने सबसे पहले मशीन लगा के रखी थी और वो कपड़े मैंने फैला दिए, अदरवाइज बारिश के टाइम में ना महक जाते हैं कपड़े। तो बस अभी मैंने चाय पी ली पूजा पाठ करने के बाद में। अब चले देखते हैं कि किचन में क्या रह रहा है, अब उस काम को भी तो आगे बढ़ाना है। सो लेट्स मूव ऑन टू देयर। सो आज खाने में लंच और ब्रंच एक साथ बन रहा है और उसके लिए मैं बना रही हूँ आलू के पराठा। आलू के पराठा बनाने के लिए मैंने आटे में ही कलौंजी और नमक डाल दिया है और इसका आटा बना रही हूँ। आटा जितना ज़्यादा सॉफ्ट होता है पराठे भी उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। उसके बाद मैंने ये आलू को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद आलू में सारे मसाले और प्याज मिर्ची सब कुछ ऐड कर दूँगी और ये फटाफट से मेरे गरम गरम पराठे बन के तैयार हो गए हैं। और खाना बनाने के बाद मैं बर्तनों का अंबार नहीं लगाती क्योंकि आजकल वैसे भी मेड नहीं आ रही, मैं तो मैं सास के साथ बर्तन धुलती जाती हूँ ताकि काम कम। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके किसके घर में ऐसा होता है कि हम लोग अपनी बात करते रहते हैं और सामने वाला रिस्पांस दे या ना दे डजंट मैटर। तो वही यहाँ पे हो रहा था, मैं इनसे बात कर रही थी कुछ और शिनका को खाना खिला रही थी और इसके बाद मुझे भी भूख लग गई थी क्योंकि मेरा भी फास्ट था इस दिन एकादशी का, तो इसलिए मैं अपने लिए लस्सी बना रही थी। तो पानी डालोगी तो मिट्टी गिरेगी नहीं, टूट गया ना घड़ा तो? नहीं, मिट्टी गिरता नहीं हमसे पानी डालने के बाद, लेकिन तो मैं बहुत बड़ी निकल है, बहुत बहुत बड़ा है। हम नया प्लांट लेकर के आएंगे ना तो उस सारी मिट्टी उस प्लांट में डाल लेंगे दूसरे गमले में, ठीक है? नहीं, वो ना उसी में डलवाएगी ना, अगर ना मैं ना ये क्या कर रहे हो? चलो अच्छा चल, क्या बनाने को कहती हो? और क्या खाना होता है तुमको? पास्ता। हाँ। क्या खाना होता है? पास्ता। पास्ता तुम्हारा फेवरेट हो गया है? अच्छा, आजकल खाना नहीं खाती हो ना, बस दो दो कौर खाओगी और बोलोगी मामा मेरा पेट भर गया है। हाँ, लेकिन मैं पराठा भी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी दो पराठा खाने के बाद। और उसके बाद क्या कहोगी मम्मा मेरे लिए? पास्ता। पास्ता बना दो। और क्या बना दो? कॉफी। कोल्ड कॉफ़ी बना दो। और क्या पियोगी? दाल। सेवई। दाल भी पीती हो तुम? दाल तुम्हारी फेवरेट है। सब कुछ बना खाने वाले वे फेवरेट है। लोगों की ये परेशानी होती है ना कि बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, आप ये ट्राई करिएगा कि आप उनके साथ खाएगा तो बच्चे भी ज़रूर खाएंगे जो भी चीज़ें आप उन्हें देंगी। व्रत होता है उस दिन में नींद नहीं आती, आपके साथ भी होता है ऐसा? असल में अन्न तो खाए नहीं रहता और वैसे भी मेरा ज़्यादा कुछ खाने का मन करता भी नहीं है, तो शायद इसी वजह से नींद नहीं आती है। तो शनिका सो गई है, बहुत दिन के बाद आज इनके पापा ऑफिस गए हैं क्योंकि वहाँ से फ़ोन आया था, तो फिर ये चले गए लंच वंच करने के बाद ही गए हैं और आ भी जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। मेरा जो जन्माष्टमी वाला ब्लॉग था ना उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। वो व्लॉग देखने के बाद स्पेशली उसकी जो पिक्चर्स थी ना, मतलब उसकी कुछ पिक्चर्स मैंने अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट पे लगाई थी, तो मेरे पास कुछ लोगों का, बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं, लेकिन वो पिक्चर्स देख करके कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो आप लोग बताइए पहले कमेंट करके कि आप लोगों को क्या लगता है वेदर आई एम प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट। मतलब आज तो मैंने टाइटल भी यही डाल दिया अपने इस व्लॉग का। एक्चुअली क्या है ना कि उसमें शायद ऐसी पिक्चर्स मैंने क्लिक कराई कि वो देख गया, इस तरीके से मैंने वीडियो बना करके पोस्ट किया, रील पे मैंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम रील पे अपना वीडियो, तो उसको देख करके लोगों को लग रहा था कि शायद मे बी आई एम प्रेग्नेंट, बट ऐसी कोई भी बात नहीं है गाइज, आई एम नॉट एट ऑल प्रेग्नेंट। तो अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है, इन फ्यूचर अगर कभी हुआ ऐसा और मैं तब तक रही यूट्यूब पे और ऐसा मैंने कुछ सोचा, देन डेफिनेटली आई विल शेयर सब, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल विद यू ऑल, क्योंकि अब तो आप सब भी फैमिली का मेम्बर हैं, तो अगर कभी हुआ तो मैं शेयर करूँगी। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये श्योर मैं आप लोगों के साथ अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ और मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी थी, क्या नहीं फेस करी थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि उस वीडियो को देख करके ना मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे थे उसमें कुछ तो ये मैसेजेस थे, पूछ रहे थे लोग कि आर यू प्रेग्नेंट, आर यू नॉट प्रेग्नेंट, आपके चेहरे पे बहुत ग्लो दिख रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा वेट डाउन हो रहा है इस टाइम और बेली का जो फैट होता है वो सबसे लास्ट में डाउन हो रहा है, तो हाथ पैर तो पतले हो रहे हैं, चेहरा पतला हो रहा है और
टमी एकदम से बाहर आ रहा है, तो इस वजह से भी लग रहा है कि आई एम प्रेग्नेंट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। वो टमी फैट है, उसको जाने में बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए प्रॉपर वर्कआउट टाइमिंग टाइम देना पड़ेगा, तब वो जाएगा। और टमी फैट के लिए तो अभी मैंने सोचा ही नहीं, अभी तो बस मेरा कंसंट्रेशन है कि मेरा वेट डाउन हो जाए, उसके बाद मैं टमी फैट के ऊपर काम करना शुरू करूंगी। तो इसी वजह से वो आप लोगों को लग रहा है कि वो एकदम एक्स्ट्रा से निकला हुआ है, और कोई बात नहीं है। बट फॉर श्योर उसमें जो कमेंट्स आए थे यही आए थे कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं, अगर हैं तो प्लीज़ मेरी ये प्रॉब्लम है मुझे कुछ सजेस्ट करिए, मेरी ये प्रॉब्लम है मुझे कुछ सजेस्ट करिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सजेशन नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ मदर ऑफ अ वन चाइल्ड, और उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, एक्सपीरियंस किया है। तो फॉर श्योर मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी अपने अपकमिंग ब्लॉग्स में। सो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो। एंड येस गाइज, आई एम नॉट प्रेगनेंट एट ऑल राइट नाउ, बट अगर कभी फ्यूचर में हुआ तो आई विल शेयर विद यू। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।